हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अपने हाथ और पैरों को गोरा कैसे करें। साथ के साथ अपने चेहरे का कालापन भी हम दूर करेंगे इस नुस्खे में। सांवले रंग को गोरा करने और कालापन दूर करने के लिए लोग कई तरह के प्राकृतिक तरीके अपनाते हैं, जैसे गोरा होने की क्रीम लगाना, ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाना, लेकिन उनको सही नॉलेज नहीं होती है और वह मात खा जाते हैं। तो ज्यादा लोग सुंदर चेहरे पर ध्यान देते हैं और चेहरे का रंग गोरा करने के लिए महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, पर फेस के साथ साथ हाथ पैर भी हमारी पर्सनैलिटी में अहम होते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अपने हाथ और पैरों को कैसे गोरा करें और अपने चेहरे का कालापन कैसे दूर करें, तो चलिए वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो में नुस्खा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक साफ कटोरी ले लेंगे। अब हमें चाहिए फेयर एंड लवली क्रीम। देखिए, फेयर एंड लवली क्रीम एक जानी मानी क्रीम है और यह एक मल्टी विटामिन क्रीम है जो कि हमारे स्किन से कालेपन को दूर करने में बहुत ही असरकार होती है। और फेयर लवली क्रीम ऐसे ऐसे केमिकल्स और पोषक तत्वों से बनाई जाती है जो कि हमारी त्वचा को पोषण देते हैं। तो देखिए, इतनी मात्रा में हम फेयर एंड लवली क्रीम ले लेंगे। तो इस नुस्खे को हम हाथ पैर और चेहरे पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए, फेयर एंड लवली क्रीम हमने ले लिया। अब हम लेंगे शैम्पू। तो आप शैम्पू में क्लिनिक प्लस शैम्पू लें तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आपके पास चिक शैम्पू है तो वह भी इसमें ले सकते हैं, क्योंकि शैम्पू इस तरीके से बनाया जाता है जो कि हमारे धूल और मिट्टी और पॉल्यूशन के कारण जो मृत कोशिकाओं की लेयर जम जाती है चेहरे पर, हाथ और पैरों पर, उसको निकालने में ये मदद करता है और ये हमारी स्किन को अंदर तक जाकर सफाई करता है। तो देखिए, इसमें इस तरीके से एक ये पूरा पाउच इसमें निकाल लेंगे। अब देखिए, इसमें हमें दो ही चीज़ों की ज़रूरत थी, शैम्पू और फेयर एंड लवली क्रीम की। अब देखिए, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ज़्यादा मात्रा में भी इसको बना सकते हैं। दो शैम्पू के पाउच और फेयर लवली क्रीम की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। देखिए, हमारा पेस्ट बनके तैयार है। अब इससे हम अपने चेहरे पर या अपने हाथ या पैरों पर इसको अप्लाई करेंगे अपनी उंगलियों की मदद से। तो सबसे पहले आपको देखिए इस तरीके से अपना चेहरा हुआ, आपके हाथ हुए, पैर हुए, तो उन पर आपको 5 मिनट तक इस तरीके से स्क्रब करना है। तो देखिए, 5 मिनट तक जब ऐसा आप करेंगे तो आपके हाथों से, पैरों से, चेहरे से गंदगी निकलना स्टार्ट हो जाएगी और आपके अगर चेहरे पर पिंपल्स हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने जो क्लिनिक प्लस शैम्पू लिया है और फेयर एंड लवली क्रीम ली है वो पिंपल्स पैदा करने वाले कीटाणुओं को मारेगी। यानी कि ये पेस्ट हमारे चेहरे के लिए भी फायदेमंद है और अपने हाथ और पैरों के कालेपन को भी दूर कर सकता है। तो देखिए, अब मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से जब आप 5 मिनट तक स्क्रब करेंगे, फिर 5 मिनट तक इसको ऐसे ही लगाकर छोड़ दें सूखने के लिए। फिर आपको एक साफ टॉवल से इसको अच्छे से साफ कर देंगे। अच्छे से साफ करने के बाद फिर आपको पानी से अपने हाथ और पैरों को धो लेना है और उसके बाद आपका चेहरा, हाथ और पैर गोरे और चमकदार हो जाएंगे और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी दिखने लगेगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक पर। तो चलते हैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो बाय बाय।